आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज तथा त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज क्या है? आप देखे होंगे कि तीन भुजा से जो घिरा होता है, तीन जिसमें भुजाएं होती हैं, इसी के त्रिभुज कहा जाता है। तो आज हम लोग त्रिभुज के परिभाषा पढ़ेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिनके अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के छह अवयव होते हैं, जिसे हम तीन कोण और तीन भुजाएं कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, त्रिभुज में देखिए तीन भुजाएं हैं। उन भुजाओं का आप नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी करके है, ए बी और बी सी और ए सी, इस तरह से नाम हो जाएगा। और देख रहे हैं इसमें तीन कोण भी हैं, शीर्ष देख रहे हैं, शीर्ष पर कोण बने हुए हैं। तो त्रिभुज इस प्रकार से हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो पहला है कि भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो दोस्तों, भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार और कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार के बारे में हम लोग इसमें आगे देखेंगे। तो चलिए हम त्रिभुज के प्रकार भुजा के आधार पर देखते हैं। तो भुजा के आधार पर देख रहे हैं त्रिभुज तीन प्रकार के हैं। पहला है विषमबाह त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाह त्रिभुज और तीसरा है समबाह त्रिभुज। तो इस तरह से त्रिभुज तीन प्रकार के हो गए। अब हमें इन तीनों की अलग अलग परिभाषाओं को पढ़ना है कि विषमबाह क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विषमबाह त्रिभुज किसे कहते हैं। तो विषमबाह त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जो तीनों भुजाओं माप में अलग अलग होती हैं। तो त्रिभुज परिभाषा क्या हो जाएगी, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप भिन्न भिन्न होती है, उसे हम विषमबाह त्रिभुज कहते हैं। विषमबाह त्रिभुज के बाद अब हम लोग आगे पढ़ेंगे समद्विबाह त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समद्विबाह त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो उसे हम समद्विबाह त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाह त्रिभुज परिभाषा आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो उसे हम समद्विबाह त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ऐसे त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समबाह त्रिभुज। तो समबाह त्रिभुज क्या है, समबाह त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाह त्रिभुज कहते हैं। समबाह त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी 60 अंश के होते हैं। अगर उसकी भुजाएं बराबर होंगी तो प्रत्येक कोण भी बराबर होंगे। दोस्तों, इसके बाद हम कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज आप जानते हैं, न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो हम इनके बारे में अब अलग अलग परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम न्यून कोण की परिभाषा पढ़ेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों, तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कहने का अर्थ हो गया, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका ये कोण 90 अंश हो। और आप जानते हैं कि 90 अंश किसको कहते हैं, एक समकोण का जो होता है उसे हम 90 अंश कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसका एक कोण अधिक कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह से आपने
सभी कोणों के बारे में पढ़ा और सभी कोणों की परिभाषाएँ पढ़ें। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों हमें कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे नोटिस ज़रूर करेंगे, नोटिफिकेशन के द्वारा आप हमें बताएंगे और अगर कोई सजेशन भी देना हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आप कोई हमारी कमी भी बताएंगे तो उस कमी को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।